से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, मोहतरम, पाक है वो ज़ात कि जिसने जिनों इंस को पैदा किया। उन्हीं मखलूकात में से एक मखलूक अल्लाह तबारक व तआला के नूरानी फरिश्ते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज हम फरिश्तों में से अल्लाह तबारक व तआला के एक बहुत ही मुकर्रब और ख़ास फरिश्ते हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे कि हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम कौन है और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने जब पैदा किया तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम सूर फूंकने के अलावा और कौन कौन से काम करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो मुकर्रब फरिश्ते हैं जो कि क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया फना हो जाएगी। प्यार दोस्तों, ये बात याद रखें कि हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते हैं जो दुनिया के ख़त्म होने और क़यामत शुरू होते वक्त सूर को फूंकेंगे। रिवायत के मुताबिक ये खुदाबंद का एक मुकर्रब फरिश्ता है जो सूर फूंकेगा, और इसके अहम फ़राइद: खुदा का पैगाम दूसरे फरिश्तों तक पहुँचाना, और जो दो फरिश्ते इंसान के रोज़ाना के आमाल के मुवक्किल हैं उनसे नामा आमाल दरियाफ्त करना। इसके दूसरे अमूर जैसे असहाबे काफ जो कि कई साल सोए हुए थे, इन्हें बेदार किया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदद के लिए हाजिर हुए और मेराज तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हमराही के अंदर रहे। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते हैं जिसे अक्सर दुनिया के लोग कि जब दुनिया ख़त्म होगी उस वक्त सूर फूंकने के एतबार से पहचानते हैं। रिवायात में इनका दूसरा नाम अब्दुर्रहमान और कुनियत अबुल मुनाफिक जिक्र हुई है। कुरान करीम में इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन कई आयात में सूर फूंकने के बारे में मौजूद है, और रिवायात के मुताबिक ये सूर हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे। अहादीस के मुताबिक ये फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के नाम और रहमान का मजहर है, और लोहे महफूज में मौजूद हयात का भी मजहर रुकन है। इसी तरह से ये सबसे पहली मखलूक है जिसने जिक्र रब अज़्ज़ा वजल सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दी को अपनी जबान पर जारी किया। इस फरिश्ते की सिफात के बारे में रिवायात के अंदर आता है कि हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के 12 पर हैं, और उनमें से एक मशरिक में और दूसरा मगरिब के अंदर मौजूद है, और अर्श को इसके कंधों पर करार दिया गया है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत के बराबर हत्ता कि एक छोटी चिड़िया से भी छोटा है, और वो खुदा तआला के मुकाबले में खुद को इतना छोटा देखता है कि शर्म के मारे खुद को एक पर के नीचे शर्मिंदा होकर छुपा लेता है। प्यार दोस्तों, इसके अलावा रिवायात के मुताबिक इसराइल अलैहिस्सलाम का अज़री फरीजा सूर फूंकना है। फरिश्तों का एक लश्कर हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के इख्तियार में है, और जब क़यामत नज़दीक आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हें हुक्म देगा कि क़यामत के मुकदमात का आगाज करें। इसके बाद इसराफ़ील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो तमाम मौजूदात फना हो जाएंगे और दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद दोबारा सूर फूंकेंगे तो तमाम मौजूदात जिंदा हो जाएंगी और क़यामत का आगाज और सिलसिला शुरू होगा। बाज़ उलमाए किराम इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को हवल करने वाला फरिश्ता भी कहते हैं, और प्याम इलाही को दूसरे फरिश्तों तक पहुँचाने वाला भी कहते हैं। इसी तरह से जब अल्लाह तबारक व तआला वही भेजना चाहता है तो इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को लोहे महफूज दिखाता है, और वो जो कुछ वहाँ देखता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर वही करता है। और एक हदीस में आया है कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, इसराफ़ील अलैहिस्सलाम पहला फरिश्ता था जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद के लिए दौड़ कर गया। और रिवायात में इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के कुछ और फ़राइद भी जिक्र हुए हैं। नंबर एक, कौम यूनस अलैहिस्सलाम से अदाब को दूर करना। नंबर दो, कौम लूत को हलाक करना, ये भी हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे था। असहाब काफ को नींद से हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम ने जगाया था, और बेसर से पहले 3 साल पैगम्बर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ रहना ये आपकी ड्यूटी है, और जंग बदर में हज़रत अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदद के लिए भी हाजिर हुए थे, और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम मेराज की रात भी हज़रत अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ थे, और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम पैगम्बरों पर नमाज को भी अदा करते हैं। यानी जब पैगम्बरान खुदा की वफात होती है तो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम नीचे उतर कर उनकी नमाज जनाजा भी अदा करते हैं, और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी दी थी, और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम आसमानों पर मुअज़्ज़िन भी हैं, यानी वहाँ पर अज़ान देना भी हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का काम है।
और इसके अलावा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम मौक्कल फरिश्तों से इंसान के नामे आमाल भी दरियाफ्त करते हैं। और इसके अलावा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब आखिरी जमाने के मुसलमानों की सिपाहियों की मदद करने के लिए भी उतरेंगे। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में चार मुकर्रब और बड़े फरिश्ते हैं जिनके नाम इसराफील, जिब्राइल, मीकाईल और इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें रऊस मलाइका भी कहा जाता है। रिवायत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने इसराफील, जिब्राइल और मीकाईल को एक तस्बीह से खलक फरमाया और इसराफील और जिब्राइल सब मखलूक से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला के करीब हैं और उनके और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान सिर्फ चार पर्दे का फासला है, जबकि बाकी तमाम मखलूक और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान 70,000 पर्दों का फासला है। और हदीस मुबारक के मुताबिक पैगम्बर इस्लाम हजूर अक्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा रात की दुआ में अल्लाह तबारक व तआला को यूं खिताब फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बी जिब्रीला व मीकाईला व इसराफीला। और इसके अलावा तौरात में सराफीन के नाम से फरिश्तों का जिक्र हुआ है जो कुर्सी पर बैठे हैं और मुकद्दस मुकद्दस हैं। मुकद्दस का जिक्र उनकी जुबान पर जारी है। अगरचे इस्लामी माखज में इसराफील का अर्श को उठाना और तस्बीह करना इसका जिक्र हुआ है, लेकिन वो सिर्फ एक फरिश्ते का नाम है। लेकिन सराफीन यहूद के दीन में मलाइका के गुरु को कहा जाता है और इसराफील अलैहिस्सलाम का सूर फूंकना हिंदू मजहब में शिवा के इस अमल से मुशाबत रखता है, जहाँ पर वो अपने तबल को बजाकर इंसानों को फना करेगा या फिर जिंदा करेगा। कदीम मिस्र में ये अकीदा मौजूद था कि अहले बहिश्त इसराफील अलैहिस्सलाम की आवाज़ को सुनकर लज़्ज़त महसूस करेंगे। और इसी तरह से शाम के एक कदीमी दानिशमंद ने इसराफील अलैहिस्सलाम को एक खुश आवाज़ फरिश्ता भी कहा है। जबकि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम तस्बीह करते हैं तो आसमान वाले अपनी इबादत को छोड़कर इस तस्बीह को सुनने लगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के आने से पहले पहले हमें उसकी तैयारी करने और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।